हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एट्रियल चैप्टल डिफेक्ट के बारे में। हम पढ़ लेते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ए साइनोटिक हार्ट डिजीज क्या होता है। ए साइनोटिक में हमने पहली कंडीशन डिस्कस की थी, व्हाट पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले एट्रियल चैप्टल डिफेक्ट। एट्रियल चैप्टल डिफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारी एट्रिया में, दो एट्रिया के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, जिसको इंफ्रा आर्टेरियल सेप्टम के नाम से हम जानते हैं, उसमें डिफेक्ट प्रेजेंट होता है या उसका फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में कंसिडर करते हैं। ओके, सो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एक कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है या कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम है, जिसमें अपर चैम्बर ऑफ हार्ट को जो सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम बोलते हैं या कॉमनली सेप्टम बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है या एबनॉर्मल फॉर्मेशन होता है या उसमें होल प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंट्रा आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट या आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट कॉमनली बोला जाता है इसको। ओके, सो कंडीशन को समझने से पहले इस डायग्राम को हम एक बार समझ लेते हैं। आप सबको पता है ये राइट साइड है हार्ट का, ये लेफ्ट साइड है हार्ट का। राइट साइड में हमारा कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हम बात कर रहे थे आर्टेरियल सेप्टल के बारे में, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में, तो हम यहाँ पे एट्रिया की बात करेंगे। वेंट्रिकल से यहाँ कोई मतलब नहीं है। ओके, तो हमारा जो अपर चैम्बर है उसको दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम सेप्टा बोलते हैं। ये वाला पोर्शन है, इसको हम सेप्टा बोलते हैं। ओके, इस सेप्टा को हम कॉमनली जानते हैं किसके नाम से? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के नाम से, सॉरी इंट्रा आर्टेरियल सेप्टा के नाम से जानते हैं। इस सेप्टा में अगर डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, या तो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है या ओपनिंग परसिस्ट है, तो उस कंडीशन को हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, थोड़ा और इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। दो एट्रिया को डिवाइड करने वाली मेम्ब्रेन में जब किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी होती है, तो उसे हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में कंसीडर करते हैं। ओके, अब ये डिफेक्ट कैसा हो सकता है, किस टाइप का डिफेक्ट होगा? तो जब आपने फीटल सर्कुलेशन पढ़ा होगा, तो आप सबको पता होगा कि दो एट्रिया के बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसे फोरामेन ओवेल के नाम से जानते हैं, जिसका यूज या इंपॉर्टेंस क्या होता है? फीटल लाइफ में इंपॉर्टेंस होता है। फीटल लाइफ के बाद उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, वो एक टाइम के बाद अपने आप जो ओपनिंग जो फोरामेन ओवेल है वो धीरे धीरे कैसे हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि फीटल लाइफ में जो हमारे लंग्स थे, जो हमारी रेस्पिरेटरी यूनिट है, वो वर्क नहीं करती है, वो नॉन फंक्शनल होती है, इसलिए फोरामेन ओवल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। लेकिन फीटल लाइफ से जब बच्चा बाहर आता है, यानी मदर वूम से बच्चा जब बाहर आता है, इन्फेंट होता है, तो लंग्स जो उसके होते हैं फंक्शनल हो जाते हैं। नॉन फंक्शनल लंग्स जब फंक्शनल हो जाते हैं, तो फोरामेन ओवल का कोई यूज नहीं होता है, इसलिए धीरे धीरे फोरामेन ओवल अपने जो उसका साइज है वो श्रिंक हो जाता है, क्लोज हो जाता है, मेम्ब्रेन क्लोज हो जाती है। लेकिन फीटल लाइफ में इसका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। रिकमेंड मैं आपको करती हूँ कि एक बार फीटल सर्कुलेशन प्लीज पढ़ लीजिए, जब भी आपको इस कंडीशन समझ में आएगी। ओके, तो हम पढ़ रहे थे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। अच्छा, मैंने आपको बताया कि यहाँ सेप्टम है, ये सेप्टम में क्या होता है, फोरामेन ओवल होता है। अब फोरामेन ओवल कब इंपॉर्टेंट होता है? फीटल लाइफ इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, उसके बाद इस फोरामेन ओवल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी यूनिट होती है, जो हमारी लंग्स होती है, अब यहाँ पे फंक्शनल हो चुकी होती है, ठीक। लेकिन किसी भी कॉज की वजह से अगर ये फोरामेन ओवल क्लोज नहीं हो पाती है बच्चे में डिलीवरी के बाद, बर्थ के बाद, तो कंडीशन कहलाती है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। समझ आ रहा है आपको कि एट्रिया के जो सेप्टम है उसमें अगर प्रॉपर क्लोजर नहीं हो पाता है मेम्ब्रेन का, या फिर फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है मेम्ब्रेन का, तो उस कंडीशन को हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में कंसीडर करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इट इज अ एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन बोथ एट्रिया। ये एक तरह का एबनॉर्मल ओपनिंग होता है दोनों ही एट्रिया में, और एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ एट्रिया। एबनॉर्मल कम्युनिकेशन जरूर होगा, क्योंकि अगर ओपनिंग है तो यहाँ से ब्लड इधर शिफ्ट होगा, इधर से ब्लड इधर शिफ्ट होगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा, इसलिए ये एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। और इसमें क्या कंडीशन होगी कि जब लंग्स से ब्लड आएगा, तो इस चैम्बर में कैसा होगा, बहुत हाई प्रेशर होगा, और यहाँ पे क्योंकि ओपनिंग प्रेजेंट है, इस जगह पे अगर ओपनिंग प्रेजेंट है या मेम्ब्रेन प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है, तो ब्लड पॉसिबल है, माइट बी पॉसिबल कि ब्लड यहाँ तो शिफ्ट हो ही रहा है, इसके साथ साथ इधर भी शिफ्ट हो रहा है, समझ रहे हैं। यानी जो ब्लड प्रॉपर इधर आना चाहिए था, वो आधा इधर आ रहा है और आधा इधर आ रहा है। एक तो प्रॉपर ब्लड डिलीवर नहीं हुआ किसके पास, बॉडी के पास, जो रेस्ट ऑफ बॉडी सेल्स उनके पास, प्लस यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मिक्सिंग हो जा रही है ब्लड की, ठीक है। ब्लड इधर किस तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, हमारे किस साइड, राइट साइड ऑफ द हार्ट में शिफ्ट हो जा रहा है, इसीलिए इसको लेफ्ट टू राइट शंटिंग बोलते हैं। कैसे लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रहा है? क्योंकि जो प्रेशर है वो हमारा लेफ्ट साइड में ज्यादा है, इस वजह से राइट साइड में क्या हो रहा है, वो शंट हो जा रहा है ब्लड, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? यानी जो ब्लड लंग्स से आ रहा है, वो ब्लड क्या हो रहा है, हाई प्रेशर के साथ जो हमारी लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है, क्योंकि ओपनिंग एट्री सेप्टम में प्रेजेंट है, तो वेंट्रिकल में जाने के साथ साथ ब्लड कहाँ चला जा रहा है, हमारी राइट एट्रिया में ब्लड चला जा रहा है, क्लियर। यहाँ पे मैंने ये लिखा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हाई प्रेशर है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, वो शिफ्ट हो जा रहा है किधर, हमारी राइट साइड ऑफ द हार्ट में शिफ्ट हो जा रहा है, इसीलिए इस शंटिंग को हम बोलते हैं लेफ्ट टू राइट शंटिंग। समझ में आ रहा है? इट इंक्रीज बर्डन ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। नेचुरली ये बर्डन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब भाई ब्लड एक तो यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा से, दूसरा राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो हमारा लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये वाला चैम्बर है, इस पे क्या होगा, बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। ये जो राइट साइड ऑफ द चैम्बर है, वो राइट साइड जो चैम्बर है हमारा हार्ट का, उसमें क्या होगा, बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। अभी मैंने मेंशन किया है, इट इंक्रीज बर्डन ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट राइट साइड हार्ट के चैम्बर में बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। कुछ जो हमारे एएसडी होते हैं, यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होते हैं, वो स्मॉल होते हैं,
और अपने आप क्लोज हो जाते हैं समय के साथ, उनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ जो होते हैं वो लार्ज ओपनिंग होते हैं, जो समय के साथ अगर उन्हें ट्रीट ना किया जाए तो ओवर द टाइम ये डैमेज कॉज कर सकते हैं किसको, हार्ट को और जो भी बच्चा इन्फेंट है, या फिर हो सकता है कि ये जो हमारा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है वो अर्ली डायग्नोस ना हो, बहुत लेट डायग्नोस हो ये और लेट इसके साइन एंड सिम्टम शो करे। तो जो लार्ज ओपनिंग रह जाती है, जो हमारा कह सकते हैं जो ओपनिंग क्लोज नहीं हो पाती है, मेम्ब्रेन प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, वो डैमेज कॉज कर सकते हैं। और जो स्मॉल ओपनिंग होती है, स्मॉल रेस्ट होते हैं, वो ओवर द टाइम अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? सो हम एएसडी का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन है, यानी सेप्टम में डिफेक्ट किस जगह प्रेजेंट है उस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफाई इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ASD1, ASD2, ASD3। ओके, जो ASD1 होता है, यानी जो सेप्टम में जब ASD1 को क्लासिफाई करते हैं, वो किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, जब भी ओपनिंग लोअर साइड ऑफ द सेप्टम में प्रेजेंट होता है। क्या लिखा है? ओपनिंग लोअर एंड ऑफ द सेप्टम में जब प्रेजेंट होता है तो उसे हम ASD1 में क्लासिफाई करते हैं। ओके, एज इट इज ASD2 जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, मोर कॉमन होता है, दोनों से ही सबसे ज्यादा कॉमन होता है। और ये जब सेंटर में जब ओपनिंग प्रेजेंट होती है या परसिस्ट करती है तो उसे हम ASD2 में कहते हैं, और जो ओपनिंग टॉप साइड में सेप्टम के प्रेजेंट होती है उसे हम ASD3 कहते हैं। यानी क्लासिफिकेशन यहाँ पे कितने, थ्री टाइप्स के क्लासिफिकेशन, 1, 2 एंड 3। 1 कहाँ होता है? लोअर साइड में, 2 कहाँ होता है? मिडिल में, और 3 कहाँ होता है? अपर साइड ऑफ द सेप्टम में प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन, सॉरी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, जब भी हम स्कल टेट करेंगे पेशेंट को, तो वहां पे हमें सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में मर्मर साउंड सुनाई देगा। ये मर्मर साउंड क्यों सुनाई देता है? बैक फ्लो जब ब्लड का होता है उस वजह से क्या होता है, मर्मर साउंड सुनाई देता है, ठीक है, अस्कल्टेट करने में। देन इनलार्जमेंट ऑफ राइट एट्रिया एंड वेंट्रिकल। इनलार्जमेंट होगा राइट एट्रिया और वेंट्रिकल्स का, कैसे? एक बार जब एट्रिया में जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और वो ब्लड जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां एट्रिया में इनलार्जमेंट होगा, और धीरे धीरे वो प्रेशर किधर की तरफ शिफ्ट होगा, वेंट्रिकल में शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स का भी क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा। यानी हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट में इनलार्जमेंट होगा, जिसमें एट्रिया वेंट्रिकल दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। देन पेरीफेरल जो पल्स है वो कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पेरीफेरल पल्स क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम जितना आना चाहिए उतना ब्लड वॉल्यूम क्या हो रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड, क्योंकि ब्लड कहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, हमारा वापस से हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट में शिफ्ट हो जा रहा है। इस वजह से जो पेरिफेरल पल्स होंगे वो डिमिनिश होंगे या डिक्रीज होंगे। ओके, पेल एंड कूल एक्सट्रीमिटी होगा, क्योंकि ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए एक्सट्रीमिटी कैसे होंगी, कूल होंगी, पेल होंगी, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है। हाइपोटेंशन होगा, ऑलरेडी हाइपोटेंशन होगा, क्यों होगा मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि जो कार्डिक आउटपुट से जितना एक्चुअल ब्लड आना चाहिए उतना ब्लड क्या हो रहा है, पंप नहीं हो पा रहा है हार्ट से, वो ब्लड किधर शिफ्ट हो जा रहा है, राइट साइड में शिफ्ट हो जा रहा है, इस वजह से हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन होगी। हाइपोटेंशन होगा तो ट्रैकिकार्डिया देखने को मिलेगा पेशेंट के बॉडी में, क्यों, क्योंकि जो बॉडी है वो क्या करेगा, जो हार्ट है वो कंपनसेट करने का काम करेगा, ब्लड वॉल्यूम पहुंच नहीं रहा है वहां पे जितना ब्लड पहुंचना चाहिए, एक्चुअल वॉल्यूम तो पहुंच नहीं रहा है, इसलिए हार्ट जल्दी जल्दी बीट करना स्टार्ट करेगा, बहुत तेजी से बीट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि क्या होगा, वो हार्ट क्या करेगा, कंपनसेट करेगा कि जल्दी जल्दी बीट करने पे जल्दी जल्दी ब्लड को क्या किया जाए, ब्लड को पहुंचाया जाए, जितने भी हमारे ऑर्गन है, जितने हमारे टिश्यू है, वहां तक पहुंचाया जाए, नहीं तो क्या होगा, एक टाइम पे ऑर्गन डैमेज जैसी कंडीशन आने लगेगी, अगर ब्लड ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा ऑर्गन में तो ऑर्गन डैमेज कंडीशन आने लगेगी। ओके, एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगा, क्यों, हाइपोटेंशन हो रहा है, इस वजह से एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगा। ओलिगो यूरिया देखने को मिलेगा, ओलिगो यूरिया क्यों देखने को मिलेगा, कंडीशन तो हार्ट की है लेकिन नेफ्रो रिलेटेड कंडीशन प्रॉब्लम देखने को क्यों मिलेगी, इसलिए मिलेगी क्योंकि जो कार्डिक आउटपुट है इसको 25% क्या होता है, हमारी किडनीज को जाता है कार्डिक आउटपुट का। अब क्या होगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है, इसलिए यहाँ पे ब्लड फिल्टर होने के लिए नहीं पहुंच पा रहा है, और ब्लड जितना कम फिल्टर होगा उतना कम यूरिन होगा, इसलिए इस कंडीशन में भी हमें ओलिगो यूरिया देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सॉरी, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड मैनेजमेंट के बारे में।